आप लोग अच्छे होगे उम्मीद है। तो दोस्तों बोलो शंकर पार्वती माता की, बोलो शिव पुराण भगवान की। आज हमारा दूसरा चैप्टर है जो चंचला नाम की एक महिला थी, उसके प्रार्थना करती है ब्राह्मण से और पूरा शिव पुराण सुनना और समय अनुसार उसको शरीर पर छोड़ देना। शिवलोक में चंचला पार्वती नाम की एक शिवलोक में पार्वती जी के सखी एवं सुखी होना है के सारांश बताया गया है। कि ब्राह्मण बोले नारी कि मैं सौभाग्य की बात है कि भगवान शंकर की कृपा से शिव पुराण की एक वैराग्य कथा को सुनकर मैं तुम्हें समय पर चेत गया हूँ। ब्राह्मण की पत्नी, तुम डरो मत, भगवान शिव की शरण में जाओ, शिव की कृपा से सारा पाप तत्काल नष्ट हो जाता है। मैं तुमसे भगवान शिव की कार्तिक की कथा उस परम पर वस्तु का वर्णन करूंगा जिससे तुम्हें सदा सुख देने वाली है और उत्तम गति प्राप्त होती है। शिव की उत्तम कथा सुनने से ही तुम्हारी बुद्धि इस तरह से पश्चाताप में ही उद्योत हो गई है, साथ ही तुम्हारे मन में विषयों के प्रति वैराग हो गया है। तत्पश्चात पापियों के लिए सबसे बड़ा प्रायश्चित यही है कि सत्य पुरुषों में सबके लिए पश्चाताप को ही समस्त पापों से शोधा बताया गया है। पश्चाताप से ही पापों की शुद्धि होती है, पश्चाताप से ही कर्ता वो शुद्ध होता है, वही पापों का पुरुष करता हुआ अपने पुरुषों में पापों को शुद्ध के लिए प्रश्चित कर उपदेश दिया। तत्पश्चात वे अब संपन्न हो जाता है, पुरुष वेद पूर्वक प्रायश्चित करके निर्मय हो जाता है। दोस्तों अगर हम गलती पाप करते हैं तो क्षमा की याचना भी रखें कि प्रभु मुझे माफ कर दो, शंकर भगवान से मांगे और कुकर्म करते हैं, पछता ताप नहीं करता है, उसे प्राय उत्तम गति प्राप्त नहीं होती है, परंतु से वो कीर्त नगर हार्दिक पश्चाताप होता हुआ अवश्य उत्तम गति का भागी होता है जिसमें संशय नहीं है। वैसे पुराण की कथा सुनने से जैसे चित्त शुद्धि होती है, वैसे दूसरे उपायों से भी नहीं होती है। जैसे दर्पण साफ करने से निर्मल हो जाता है, उसी प्रकार से पुराण की कथा सुनने से चित्त अत्यंत शुद्ध हो जाता है। दोस्तों इसमें संशय कोई नहीं है और मनुष्य में जो शुद्ध चित्त जगदम्बा पार्वती के माता शिव विराजमान रहते हैं उन्हें ही हम विश्वात्मा की पुरुष सामान्य शुद्धि उनके प्रत करें, उनके पद को प्राप्त करें। इस उत्तम कथा का श्रवण समस्त मनुष्यों के लिए कल्याणकारी है तथा यदोचित मार्ग में उसकी आराधना अथवा सेवा करनी चाहिए। बंधन रूपी रोग का नाश करने वाली भगवान शिव की कथा सुनकर पूर्व से हृदय को उसका मनन और निक आसन पर करना चाहिए। इससे पूर्णता शुद्ध बुद्धि होती है और चित्त बुद्धि भी होने से महेश्वर की भक्ति अपने दोनों पुत्र ज्ञान वैराग के साथ ही निश्चय ही प्रकट होती है। तत्पश्चात महेश्वर के अनुग्रह से दिव्य मुक्ति प्राप्त होती है जिसमें संशय नहीं, जो मुक्ति के वंचित है उसे पद समझना चाहिए और क्योंकि वह चित्त माया के बंधन से आसक्त है निश्चय, इसलिए संसार से मुक्ति नहीं हो पाता है। जो पाप कुकर्म और झूठ छल कपट की भावना से भरा होता है, इसलिए आप दोस्तों शिव पुराण की कथा सुने और समझें तो ही हमारा पाप अनजाने में हो जाता है, जाने में हो जाता है। तो भगवान शंकर मुक्त करते हैं, उसी पुराण कथा सुनी रोज पढ़ें और सुने। दोस्तों आज आपको ये चंचला नाम की जो ब्राह्मण से प्रार्थना करती है, गलती की क्षमा मांगती याचना करती है, तो वो ब्राह्मण जो है शंकर भगवान से प्रार्थना करके उनसे प्रार्थना करते हैं और क्षमा की याचना मांगते हैं। तो दोस्तों ये आपको शिव पुराण की चंचला नामक की कथा सुनाई है और आगे की कथा कल आपको बताएंगे। और दोस्तों अगर अच्छी लगे तो कमेंट करना, बुरी लगी तो भी कमेंट करना। आगे की कथा आपको हम अच्छी और सरलतापूर्वक से बोलो शंकर पार्वती।